मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पूर्व कांग्रेसी नेता वीरेंद्र बिहारी शुक्ला एवं उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के पद से हटाए गए वीरेंद्र बिहारी शुक्ला ने कांग्रेसी नेताओं से जान को खतरा बताते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से मदद की गुहार लगाई थी। बीजेपी सरकार ने पूर्व कांग्रेस नेता उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराते हुए सशस्त्र जवान तैनात किया है। चंद दिन पहले ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पद से हटाए गए वीरेंद्र बिहारी शुक्ला ने कमलनाथ समेत कांग्रेस नेताओं से जान का खतरा बताते हुए प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से मदद मांगी थी, जिसके बाद गृहमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष शुक्ला को सुरक्षा देने के मामले में क्षेत्रीय सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का कहना है कि परिवार के आवेदन के आधार पर गृह मंत्रालय के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। अगर कोई व्यक्ति आवेदन करता है या उनके जान को कोई खतरा रहता है तो फिर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको सुरक्षा मुहैया कराना है, और इसलिए उनके आवेदन के आधार पर किया होगा सरकार ने, मंत्रालय ने। कांग्रेस से निष्कासित जिलाध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला के सुरक्षा मुहैया कराने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। गौरतलब है कि 29 मई को कांग्रेस पार्टी ने वीरेंद्र बिहारी शुक्ला को जिला अध्यक्ष पद से हटाते हुए अशोक पटवार को जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी थी, जिसका विरोध करते हुए वीरेंद्र बिहारी शुक्ला ने मीडिया के सामने पीसीसी चीफ कमलनाथ को तानाशाह बताते हुए उनके खिलाफ बयानबाजी की थी। जांच की भी हमने मांग की हुई है माननीय गृहमंत्री जी से, और मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय गृहमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। मैंने अपने परिवार को ना मुख्यमंत्री जी के पास भेजा, ना भाजपा के किसी नेता के पास भेजा, मैंने गृहमंत्री जी के पास भेजा है। गृहमंत्री जी चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वर्ग के हों या किसी भी पार्टी के हों, मैंने उनके पास भेजकर अपने अपने परिवार वालों ने वहाँ पर जाकर उन्होंने मेरे जो खिलाफ़ आरोप लगाए थे उनकी जाँच की मांग की हुई है, और मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे सुरक्षा भी उपलब्ध कराई, मेरे परिवार का भी सम्मान किया। और मैं आप लोगों के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि शीघ्र ही वे आरोपी पकड़े जाएं जिन्होंने मेरे खिलाफ झूठा आरोप जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लगाया है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।